एरर। आज सब लोग जानते हो कि हमारे जीवन में एरर का बहुत एरर करते हैं हम सब लोग। एरर एक्चुअली हम ऐसा समझो कि एरर क्या चीज है। हमने ये यहां से लेकर यहां तक लंबाई नापी, यहां से लेकर यहां तक लंबाई, अरे भाई हाँ ना बोल यार, हमने यहां से लेकर यहां तक लंबाई नापी। मान लो लंबाई लिखी, अरे 2.3 मीटर। क्या तू 100% श्योर है कि 2.3 ही मीटर थी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जो आप मेजर करते हो उसे क्या कहते हो? मेजर्ड वैल्यू। क्या कहते हो? जो आप मेजर करते हो, आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात, वो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हमने किसी चीज को मेजर करा, क्या करा? मेजर। तो मेजर्ड वैल्यू है, क्या है वो? मेजर्ड वैल्यू। अब असलियत में जो उसकी ट्रू वैल्यू थी, क्या थी? ट्रू वैल्यू। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन भर पता नहीं पड़े कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, पर फिर भी हमें पता होता है कि हम कितना इसको एक्यूरेसी की तरफ ले जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट डिवाइस। मान लो कि आप सब्जी लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो? सब्जी। तो आधा किलो, पाव भर, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ऐसे नापते हो, बोलो क्लियर। सोना लेने जाते हो, 1 किलो का बाट रखते हो, उसमें धनिया कम रह गया तो बोलते भैया क्या है यार, थोड़ा और डालो, तो 10 ग्राम और डाल दो। सोनार क्या जाके बोलना 10 ग्राम दे, क्या भैया 5 ग्राम और डाल दो, लप्पा लगाया दो तुम्हारे, क्योंकि उसमें 1-1 ग्राम की बहुत, जितनी जिसकी जितनी वैल्यू उस हिसाब से उसकी एक्यूरेसी उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो उसके यहाँ जो वो डिवाइस लगा हुआ है, किसके यहाँ? सुनार के यहाँ। वो साला मिलीग्राम भी नापता है। क्या नापता है? उसके बाद की वो डिजिट नापता है। पर जो आपके सब्जी वाले नॉर्मल, उसमें 5 ग्राम आप सब्जी ज्यादा ले भी आओगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला, पर सुनार के यहाँ से 5 ग्राम सोना ज्यादा लिया, सर 5 ग्राम जानते हैं, पूरी भट्टी रख लाते हैं यार, तो उसको फर्क पड़ता है, तो उसको फर्क क्या? तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। असलियत में जो हमने मेजर करी और जो असलियत में थी उसका जो डिफरेंस है उसे एरर कहते हैं। हम प्रैक्टिकली ये चाहते हैं कि एरर, बट प्रैक्टिकली ये भी बात है कि जीरो होना पॉसिबल, ये हो सकता है और होगा कुछ ना कुछ। तो कितने डेसिमल तक आप मेजर कर पाओगे? कितने डेसिमल तक? आपने बोला 10 ग्राम सोना देना, तो 5 डेसिमल तक निकाल लेगा, इसके बाद क्या करेगा? हो सकता है उसके आगे 1 दे दिया उसने, पर 10 to the power minus 6 ग्राम तू अगर सोना उससे ज्यादा ले भी आया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू ला सकता है इतना ज्यादा। तूने बोला मुझे 10 ग्राम सोना दो, मतलब 1 तोला, कितना? 1 तोला। तो उसका जो मेजरिंग डिवाइस है वो समझो कि 10.0001 या 3 डेसिमल तक मेजर कर लेता है। हो सकता है 10 ग्राम के बाद उसने इससे ज्यादा आपको वैल्यू दे दी हो, बट इस 3 डिजिट के बाद की वैल्यू का उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इसलिए ये 100% एक्यूरेट हम कभी भी गारंटीड हम कभी नहीं बोल सकते कि 10 सेंटीमीटर है, गारंटीड हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ कितने डिजिट तक, 10.000 कितना, कितने तक चेक करा आपने? 5-7 कितना, उसके बाद क्या हुआ आपको और हमको पता? खैर, अब वो भी उस पर डिपेंड करता है। खैर, एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू, इनमें जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? एरर। ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें नहीं पता पड़ता, बट असलियत में एरर ये है। अब जब भी मैं किसी चीज का मेजरमेंट दूं, चाहे केजी, किलोग्राम, मास, लेंथ, किसी भी चीज का मेजरमेंट दूं, ये वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा? कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कम, कम होनी चाहिए। पहली बात, एरर क्या चीज है हमको समझ में आना चाहिए। जो असलियत में उसका वेट है, या असलियत में जो उसकी लेंथ है, या असलियत में जो उसका करंट है, जो भी वॉट एवर इट इज, उससे जो आपने मेजर करा उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? एरर। क्या कहते हैं? हम प्रैक्टिकली चाहते हैं कि एरर हम कम से कम करें। अब रियलिटी में एरर कई प्रकार के होते हैं, उसमें दो बेसिक हैं। एरर को दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, वन इज द रैंडम एरर एंड द सेकंड इज द सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर। दो टाइप में बेसिकली डिवाइडेड है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। ये रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या है सर?
सिस्टमेटिक एरर ऐसा कि मान लो आपका तराजू है, क्या है वो खराब हो गया, क्या है आपको पता है साला जब कुछ भी नहीं रखता ना तो भी 10 ग्राम मेजर करता है, तो भी ये खराब हो गया। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी खराब हो सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं, इसे बाद में हम जीरो एरर के नाम से जानेंगे। मान लो खराब हो गया और वो कुछ भी वेट नहीं रखो तो भी 10 ग्राम मेजर कर रहा है, तो जब सोचो जब वो 30 ग्राम मेजर करेगा तो आप समझ जाओ कि उसका वेट कितना हो, 40 ग्राम। जिनके जीवन में ही एरर है अबे जब कुछ नहीं रखा था तो 10 ग्राम मेजर कर रहा था, आप 30 दिखा रहा है तो 40 चौकी यार सही था। मैं नहीं पढ़ा रहा हाँ तो हमें पता पड़ गया, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम की एरर है, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड। या हमें पता था कि यार इस वायर की लेंथ जो है टेम्परेचर जब करा था तो 5 डिग्री पे बनाया था सेटअप, साला 40 डिग्री है, टेम्परेचर की लेंथ टेम्परेचर जैसे इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई इसलिए इतना एरर आएगा, क्या सिस्टम सिस्टमेटिक एरर है? Yes, तो हमें पता है ये सिस्टमेटिक एरर है, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, विच इज नोन टू अस, विच इज नोन टू अस। और रिलेटिव में सोचो तो हम सिस्टमेटिक एरर को हटा सकते हैं, हमें पता है कि 10 ग्राम एरर है, कितना एरर है, विच इज सिस्टमेटिक एरर, विच जनरेट ड्यू टू सिस्टम, विच जनरेट ड्यू टू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फिक्स्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज। सो बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी नो कि वी हैव दिस काइंड ऑफ एरर एंड वी हैव टू काउंट इट, एंड वी हैव टू या नहीं आया, एंड वी हैव टू काउंट इट। पहले तो जो मैं बोला चमका, ओके, रैंडम एरर, पता ही नहीं क्यों एरर, कई कारण हो सकते हैं, हवा तेज आई थी। सोचो कई बच्चे रीडिंग जब स्केल से लेते हैं तो कोई 1.6 बताता, कोई 1.5, मान लो मैं 1.6 1.5 के बीच में रीडिंग आए किसी स्केल से, तो कोई 1.6 बताएगा और कोई 1.5, एरर है ना दोनों, अरे है कि नहीं है, कि किसी ने अगर ऐसे देखा तो उसे शायद 1.6 पास नजर आए, किसी ने ऐसे, इसे परलैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी ने ऐसे देखा तो ये एरर है। हवा तेज चल रही थी, कुछ मान लो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मान लो उसमें कोई पन्नी थी जो हवा के प्रेशर की वजह से कुछ चेंज आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस, अरे यार हाँ ना बोल, जो अननोन है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, तो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, पर ये भी होता है, इसे क्या कहते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू साउंड, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू ह्यूमन एरर, ड्यू टू पैरेलैक्स, ड्यू टू सो मेनी, एंड वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, वी डोंट नो द एग्जैक्ट, हमें पता नहीं पड़ता, पर वो हर में अलग अलग आता है, एक बार एक्सपेरिमेंट करो तो कुछ अलग आएगा, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करो तो कुछ अलग आएगा। तो ये दो टाइप के एरर एक्सपेरिमेंट करते हुए, कौन कौन से, रैंडम एरर और रैंडम एरर, क्या पता है हमें उसके कारण, हमें रैंडम एरर के कारण हमेशा पता हो ये जरूरी, क्या रैंडम एरर फिक्स्ड होता है या हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर क्या हमें पता होता है, जिसको हम खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात यार नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये डिफरेंस है रैंडम एरर और, क्या डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, मतलब मैं लिखाऊंगी, खुद लिख लोगे, आप खुद लिखें, मैं नहीं लिखाऊंगा, मतलब समझा पाया मैं, पहले एरर का मतलब समझो, ये एरर है, फिर उसके दो पार्ट है, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, और दोनों के बारे में खुद लिखो। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, क्या आपने बात लिख ली, कौन सी सिस्टमेटिक एरर हमें पता होती है, सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम में जनरेट होती है, हो सकता है वो पहले से हो, हमें बताओ कि इंस्ट्रूमेंट 10 ज्यादा मेजर कर रहा है, 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर व्हाटएवर, वो हमें पहले से पता होती है, फिक्स होती है ना, तो उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं, पर रैंडम एरर कई कारणों से आ सकती है जिनके कारण हमें पता नहीं होता। ऐसे अपनी भाषा में लिख लो रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिफरेंस। इधर देख, ये अंतर है रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में, रैंडम एरर और, अब सोच किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, मान लो मेरे को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना था, जो आपने शायद कराओ ऐसे ऐसे, कुछ याद है आपको, जी निकालते थे जिससे, क्या निकालते थे, अगर आपने कभी आपका एक स्टॉप वॉच दी होगी, कभी कराए, अगर 10th में करा देते हैं, तुम साले स्कूल गए हो कभी,
स्कूल में एक स्टॉप वॉच देते हैं टी बराबर 2/√L/T, टेंथ में ही करा देते हैं ये, बोलते हैं छोड़ो स्टॉप वॉच लो, 10 से ऑसिलेशन के बाद टाइम पीरियड मेजर करो, फिर टी लेंथ आपको बता दो टी बराबर 2/√L/G से टाइम पीरियड निकालोगे स्टॉप वॉच से, क्या निकाल लोगे? ये हमने तो करा था, पता नहीं तुमने क्यों नहीं करा, दसवीं में नहीं कराया तुमने? मैं बताता हूँ नहीं करा था, खैर कई स्कूल में पेंडुलम ही नहीं है उसका, क्या करें? स्टॉप वॉच थी तुम्हारे स्कूल में? सर वॉच तो थी, स्टॉप होती थी, होती थी, सेल निकाल लो उसमें स्टॉप पड़ जाएगी। ये देख, तो जो पेंडुलम होता है बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट कराते हैं जिससे जी के लिए निकलवाते हैं उस जगह, इट्स अ सिंपल मेथड। आपको एक लेंथ का दे देंगे, बोलेंगे इसका छोटा सा एंगल लो, छोटा सा एंगल इसलिए क्योंकि ज्यादा बड़ा लेते हैं तो फिर टी बराबर 2/√L/G वैलिड, तो आप बोलते हैं पेंडुलम मिलो उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो कि हाँ सर कर सकते हैं, उसको ऐसे छोड़ो ड्र 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 और बोले 20वीं बार जब यहां से वो करे पास करे तब तक स्टॉप वॉच को चला के देखो, एक तो बहुत जल्दी हो जाता है तो 10 बोलते हैं कभी 20 बोलते हैं, तो 20 बार जब ये कर ले तो फिर स्टॉप वॉच चालू, जैसे ही छोड़ो वैसे दो बच्चों को देते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट, हमें तो ऐसे ही कराया था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि इसको छोड़ो तो एक बच्चा जैसे छोड़ो वैसे ही स्टॉप वॉच चालू कर देना, फिर जब 20वीं बार ये आए तो स्टॉप वॉच बंद कर लेना। क्या आपको एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता पड़ गया? अरे यार हाँ ना बोल, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता पड़ गया तो टी बराबर 2/√L, क्या L हमें पता है? यहां से आप क्या निकाल लोगे? जी, क्या निकाल लोगे? जी, दैट इज व्हाट यू डू। अब फिर उसको बोलते हैं कि आप उसे 10 बार करो, कितनी बार? सेम प्रोसीजर। तो ये जब आप पहली बार करते हो तो क्या हो सकता है थोड़ा एरर छोड़ दो? एरर कैसे? छोड़ने के टाइम पे और रुकने के टाइम पे और बंद, क्या एरर कुछ हो गया? अरे होगा कि नहीं होगा? तो आपको एक्सपेरिमेंट 10 बार कराते हैं और 10 बार जो अलग अलग जी की वैल्यू आती है उनका एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इससे एक्यूरेसी बढ़ी की घटी? इसलिए एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करा के एवरेज निकलवाते हैं। क्या निकलवाते हैं? ऐसा समझते हैं कि अगर पहली बार मैंने कोई रैंडम एरर छोड़ा होगा तो दूसरी बार हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में छोड़ा हो, तो जो उनका एवरेज आएगा क्या वो ज्यादा सही आएगा? वो क्या आएगा? कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार करना चाहिए कि कई बार? जितनी बार करके उसकी जो भी वैल्यू निकालनी है आपको, चाहे जी निकालना है चाहे कुछ भी निकालना हो, आप उसको जितनी बार एवरेज करोगे क्या उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाओगे? इसलिए मान लो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है अगर उसको हमको अच्छे से करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, इसको ऐसे करा जाता है जैसे मैंने आपको बोला, अगर किसी ने करा हो तो उसको मेरी बात समझ में आएगी, अरे तुम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा क्या कराया, ऐसे कराया जाता है, करते हैं फिर बच्चों को टेबल बनवाते हैं, जी लिखो 10 बार, पहली बार आया दूसरी बार, तो हर बच्चे एक या दो बार लिखते हैं बाकी मन से लिख देता है सब, फिर एवरेज कर लेता है सब करते ही। तुमने फाइल बनाई नहीं कभी जीवन में? प्रैक्टिकल फाइल बनी है कभी? तुमने ऐसी 10 बार नहीं बनाई कभी? कभी नहीं बनाई? क्या होगा तुम्हारा कॉलेज में यार? कॉलेज में साला मतलब हर सेमेस्टर में कम से कम 4-4, 6-6 टॉपिक सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं, शाम को सेकंड हाफ पूरा होता है एक्सपेरिमेंट्स, होता किसी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट क्या चीज, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स हम क्या करें, एन नंबर ऑफ रीडिंग्स लें, क्या लें? पर सिस्टमेटिक एरर का तो मुझे पता पड़ जाएगा कि 10 ग्राम ज्यादा 10 ग्राम, पर रैंडम एरर के लिए मिनिमम सेटिंग के लिए हम क्या करें? एन रीडिंग्स। अभी जितनी ज्यादा लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बोलो क्लियर? यार हाँ ना बोल। मान लो लेंथ है तो रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4, तो जो आर एवरेज निकालोगे वो क्या होगा? R1 + R2। ये R1 R2 क्या है? रेजिस्टेंस 1, रीडिंग 1, ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम। R1 + R2 up to Rn/n। बोलो हाँ कि ना? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये वैल्यू निकाल लो। अब सोच के आपने एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा? एक्सपेरिमेंट। सो तूने 25 बार कर लिया, कितनी बार? 25 बार। अब जो आर एवरेज आया उसको तू ट्रू वैल्यू मान ले, विच मेक सेंस? विच मेक यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे तुम्हें नहीं आया, ध्यान सुनना अच्छे से। क्या करा हमने? हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को 25 बार दोहराया, कितनी बार? 25 बार। हर बार जो हमें निकालना था उसको निकाला और उसको 25 से, अब जो चीज आई वो सबका एवरेज थी, तो क्या वो ज्यादा एक्यूरेट थी? तुम सोचो किस पे ज्यादा भरोसा करोगे, R1 पे कि R एवरेज पे? गॉट माय पॉइंट? ये तो कॉमन सेंस है ना, है ना? इस प्रोसेस को अपने हिसाब से लिखना भी सही। तो सोच मैं पूछू R1 R2 R3 R4 R5, तेरे पास 25 रीडिंग है और ये R एवरेज, सोच इनमें अगर तेरे को छाटनी हो कौन ट्रू वैल्यू है तो कौन मानेगा? तो R एवरेज पे ट्रू वैल्यू मान लो। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो ट्रू वैल्यू है, बट द वैल्यूज विच आर अवेलेबल टू मी उनमें सबसे ज्यादा ट्रू कौन होगी? क्या होगी? यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्की बात? ओह
तो ये बेसिकली ट्रू वैल्यू बन गई। क्या बन गई? अब किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर, क्या चीज? एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंट वन का, एक्सपेरिमेंट वन, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक ही एक्सपेरिमेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री, एक्सपेरिमेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट की एक ही एक्सपेरिमेंट। वी आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स। वी आर रिपीटिंग इट या नहीं आया? वी आर रिपीटिंग इट, वी आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स। तो सोचो इन एक्सपेरिमेंट वन व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, वो जो मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू वो। अरे यार, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? तो जो आपने वहां से निकाली एवरेज वैल्यू, यानी कि आर एवरेज माइनस आर वन, इसे बोला डेल्टा आर वन। क्या बोला? एरर इन एक्सपेरिमेंट वन, एरर इन, एरर इन, यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया। ऐसे ही E2 क्या आया? डेल्टा एंड सो ऑन, ये सबके एरर आए। अब इसमें से भी सबसे बढ़िया एरर कौन होगा? इनका एवरेज, एररों का भी एवरेज। ये एक्सपेरिमेंट वन में एरर था, तुम्हें बात चमकी नहीं भाई। ये किसमें एरर था? इसमें, ये, इन सब का भी क्या ले लो कि रैंडम एरर का एवरेज आ गया जो हमेशा आ रहा है। यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया। हमने क्या करा था एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट करने के लिए? क्या करने के लिए? एक्यूरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्यूरेट करने के लिए। फिर तुम्हें चमका नहीं मैं जो बोल रहा हूं, पक्की बात। ये डेल्टा आर वन क्या चीज है? क्या चीज है? एरर इन एक्सपेरिमेंट वन, वो एरर इन एक्सपेरिमेंट टू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अप टू सो ऑन अपॉन एन। यह आया डेल्टा आर एवरेज। तो जब आपसे रियलिटी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इफ यू हैव टू सबमिट योर रिजल्ट, दैट इज व्हाट हैपेंस। अगर आप साइंटिस्ट हो और आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप इस चीज का कंक्लूजन बता रहे हैं, देन यू नीड टू आंसर आर कि ऐसा करने से आर की क्या वैल्यू आती है। तो आर के लिए क्या लिखेंगे? देख, आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रिपोर्ट कि मेरे हिसाब से उसकी ये वैल्यू है, प्लस माइनस उसमें ये एरर हो सकता है। दैट इज हाउ यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज हाउ यू परफॉर्म। यार तुम्हें चमका नहीं मैं जो बोला? चमका? एक्सपेरिमेंट कैसे करे जाते हैं उसका प्रोसीजर समझ आया? कैसे? और अच्छे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा ये एन नंबर होगा, जितना ज्यादा ये उतना क्या आप बढ़िया की तरफ जाओगे? और जो अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें कोई एक्सपेरिमेंट्स को 10 बार करते हैं सर्दियों में, 10 बार करते हैं गर्मियों में, ह्यूमिड एयर में, इसमें उसमें, इन डिफरेंट कंडीशंस दे परफॉर्म इट, हवा ज्यादा हवा कम, लैब्स के अलग अलग टाइमिंग पे साइंटिस्ट करते हैं। तभी तो आप पीएचडी करने वालों को 5-5 साल लग जाते हैं जो उनकी नई रिसर्च कर रहे होते हैं। अरे यार हाँ ना बोल, तब जाके वो परफॉर्म होते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इज व्हाट? के यू हैव टू परफॉर्म इट नंबर ऑफ टाइम्स। फिर उसकी ट्रू वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? क्या उसकी एवरेज ले लो? फिर उसका एरर के ट्रू वैल्यू में से निकाल लो? फिर क्या उसका फिर एवरेज ले लो? देन दिस इज द वे हाउ यू रिपोर्ट योर आंसर, दिस इज द वे हाउ यू। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बात समझ आई? कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे जाते हैं बोलो चमका? यार नहीं आया, आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं बोलो चमका? अब आर एवरेज की वैल्यू 10 है, कितनी है? 10। और डेल्टा आर एवरेज की वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई? पता है अच्छा एक्सपेरिमेंट है बेकार? अब 10 मेजर करने में 5 का एरर अगर हो सकता है तो ऐसी रीडिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि वो 10 की बजाय 5 से 15 के बीच में लाई कर रहा है। 5 से 15 ऐसी रीडिंग का कोई मतलब? मान लो आर एवरेज आया 10,
और डेल्टा आर एवरेज आया 0.2. क्या सेंसिबल है? विच इज लेस देन 1%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.2%, विच इज अप्रोक्सीमेटली. इसलिए परसेंटेज एरर, क्या चीज? परसेंटेज एरर इज इंपॉर्टेंट टू अस. हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज एरर? डेल्टा आर एवरेज अपॉन डेल्टा, सॉरी, आर एवरेज इंटू 100 इंटू 100. ये एरर है. ये ज्यादा होनी चाहिए कि कम? ज्यादा कम. ये जितनी कम होगी क्या उतना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रहा है? उतना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रहा. एज अ परसेंटेज एरर निकालते हैं. क्या निकालते हैं? परसेंटेज. हालांकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें सवाल बहुत ज्यादा नहीं आएंगे. आपको रियलिटी में सब बहुत ज्यादा बातें काम में आएगी जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे. हालांकि तब भी बहुत काम में क्या है यार. एक अब सुन, एक मिनट, तुम्हें समझ तो आया मैंने क्या करा? एरर क्या चीज है पहले बताओ. वैसे आधे सन्नाटे में चले गए. एरर क्या चीज है? ट्रू वैल्यू माइनस. अब कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके उसके दो टाइप के एरर होते हैं. कौन कौन से? रैंडम एरर. और हमारा किस पे कंट्रोल है? क्या रैंडम एरर कुछ भी हो सकते हैं? क्या रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी चाहिए? क्या हमने उसकी सारी रीडिंग आर एवरेज निकाल ली? उसकी सारी रीडिंग क्या निकाल ली? आर एवरेज निकाल ली. क्या वो ट्रू वैल्यू मान ली गई? क्या मान ली गई? ट्रू वैल्यू. उस ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंट वन की रीडिंग माइनस कर दो तो क्या एब्सोल्यूट एरर? क्या चीज? उस एब्सोल्यूट का फिर एवरेज निकाल लिया. क्या उसी को हमने एवरेज मान लिया? और हमने रीडिंग ऐसे रिपोर्ट करी और परसेंटेज एरर निकाल ली. दैट इज हाउ बेसिकली वी परफॉर्म. आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो सब कुछ करना होता है जो मैंने आपको बोला. फिर आप नंबर ऑफ रीडिंग लेते हो, उनका एवरेज निकालते हो, फिर उनकी एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, फिर उनका एवरेज लेते हो, फिर आप जो है परसेंटेज एरर निकालते हो. आप सब कुछ जो आपका प्रोफेसर होगा उसको बताना पड़ता है, सर इतना एरर आया मेरे में, ये परसेंटेज एरर है. ज्यादा एरर होता है मैकेनिकल वाले ऐसे पन्ना फाड़ते हैं, फेंक देते हैं फाइल दोबारा का. ऐसा रियलिटी में होता है. तो इसलिए अपन पहले से सेटिंग करके ऐसी रीडिंग लेते हैं जिसमें ज्यादा परसेंटेज एरर है, तो वहां की सेटिंग कॉलेज में करना पड़ता है. सारी सही थोड़ी आती है, ऑब्वियसली बात है, नहीं आएंगी. तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई भी अपने 3 साल पहला जो सीनियर है उसी कॉपी ले लो, वैसे वैसे टीप दो. ज्यादा अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने करा था ना, बताया था, पाउडर बन गया. खैर, अब अगर हम बात करें तो ये तो एरर्स के टाइप हो गए. एरर्स के, अब एरर कैसे निकलता है? जैसे मान लो हम पहले एक सिंपल सी बात करें, इस इंस्ट्रूमेंट का कहते हैं लीस्ट काउंट. क्या कहते हैं? हालांकि इसमें बहुत डिटेल में जाएगा, इससे इसका मतलब समझ लो. जैसे आपको मीटर स्केल है, क्या है? घंटी बजी. खराब हो गई. हाँ यार, 4 बजे घंटी नहीं बजी, कैसे हो गया? चलो अगले टाइम बढ़ाएंगे. अगले टाइम क्या क्या डिस्कस होगा?